बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? आज मैं आटा गूंदने का तरीका उन लड़कियों को बताऊंगी जिन्हें आटा गूंदना बहुत मुश्किल लगता है या आटा गूंदना नहीं आता। इसके लिए मैंने सबसे पहले आटा छान लिया है और उसमें मैंने अब थोड़ी सी ही मकदार में पानी डाल लिया है। पानी जो सा है वो थोड़ा ही डालना चाहिए ताकि आटा ज़्यादा पतला ना हो। आटा गीला करने के लिए हमें साथ साथ थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में पानी डालते रहना चाहिए, जितना आटे को पानी की ज़रूरत है। ये मैंने फिर पानी डाल दिया और इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सारा आटा गीला कर लूँगी। जी व्यूवर्स, तो मेरा आटा हो चुका है गीला। अब आटे को तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए इसी तरह रख दूँगी। दस मिनट हो चुके हैं, अब मैं आटे को दोबारा गूंदूंगी। जी व्यूवर्स, देखिए आटा कितना नरम और मुलायम हो चुका है और बर्तन के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। आटे को अब मैं बर्तन में निकालूंगी। जी व्यूवर्स, तो आटा हो चुका है तैयार। अब इसको मैंने बर्तन में निकाला, अब इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी ताकि खुश्क ना हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ ही दीजिए।